हेलो एवरीबडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम मदीहा खान योर फ्रेंड हु इज एयर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स ठीक है अब पैनकेक से ही मत समझना कि खाने वाले जो पैनकेक्स होते हैं पैनकेक्स जो है बेसिकली एक मेकअप ब्रांड का नाम है जिसके बारे में हम जानेंगे और पोएट्स एंड पैनकेक से आप यहाँ पे ये समझो कि भाई एक मूवी बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है अच्छे लेखक अच्छे कवि होने चाहिए और मेकअप ऑब्वियसली इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है पोएट्स एंड पेनकेक्स जो किसके द्वारा लिखा गया है जो लिखा गया अशोक मित्रन के द्वारा ठीक है तो आज आप जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं कि भाई इस स्टोरी में क्या है पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल दैट जैमिना स्टूडियोज ब्रॉड इन ट्रक लॉर्ड ठीक है अब एक स्टूडियो था जहाँ पे फिल्म मेकिंग होती थी जिसका नाम क्या था स्टूडियो तो वो याद रखना स्टूडियो का नाम क्या था स्टूडियो क्लियर जहां पे क्या होता था जो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज होते थे वो कौन से ब्रांड के होते थे पैनकेक के होते थे ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव 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 यूज्ड यूज्ड इट इट मिस गोहर मस्ट मस्ट वैजंती माला आल्सो यूज्ड इट बट रति अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट तो जो पुराने काफ़ी जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उनकी बात हो रही है जो मेकअप के लिए मशहूर थे उनकी बात हो रही है कि भाई वैजंती माला और गेटा ग्रेटा गार्बो ये सारे कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इनके इस ब्रांड के बारे में सुना होगा बट हाँ हो सकता है रति अग्निहोत्री ने यूज़ तो करना छोड़ो इसके बारे में सुना भी नहीं था department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building, ट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स ठीक है अब जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिना स्टूडियो का वो मतलब है ना ऐसा माना जाता था कि भाई पहले वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के क्या थे अस्तबल हुआ करते थे अस्तबल क्या होते हैं जहाँ पर घोड़े वगैरह को रखा जाता है उनकी केयर की जाती है है ना उसी बिल्डिंग में जेमिना स्टूडियो था जहाँ पे पहले रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करते थे क्लियर आर ड बिल्डिंग्स इन दिटी आर सेव बीनडेंस और ऐसे ही दर्जनों बिल्डिंग्स थी उस शहर में जो बोली जाती थी कि भाई रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पर रहते थे मतलब वो रॉबर्ट क्लाइव की बिल्डिंग थी फॉर हिज ब्रीफ लाइन लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास अब भाई रॉबर्ट क्लाइव जो है वो काफ़ी मतलब टाइम जो है रहे हैं उन्होंने काफ़ी लाइफ अपनी जो है मद्रास में बिताई है रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू have डन अ लॉट ऑफ मूविंग और ऐसा भी प्रतीत होता है मालूम चलता है कि भाई उन्होंने जो है काफ़ी मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने अपने घर बदले हैं Besides फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंस सेंट जॉर्ज इन मद्रास तो ये तो भाई एक बिल्कुल अलग बात है कि उन्होंने काफी सारी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी भी हैं और जीती भी हैं उसके बाद उन्होंने एक मेडन होती ना मैम उनसे शादी की और मद्रास में वो रहे फिर द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर अब देखो मेकअप स्टूडियो और जो हमारा जेमिना स्टूडियो था उसका मेकअप रूम की बताई जा रही है बात कि भाई मेकअप रूम जो ऐसा लगता था कि कोई बाल काटने का सैलून हो और उसमें काफी सारी ऐसी लाइट्स वगैरह लगी होती थी और काफी बड़े-बड़े मिरर्स -बड़े थे वहाँ पर कांच हुआ करते थे दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स और सारी लाइट्स कैसी थी इनकैंडेसेंट इनके इनकैंडेसेंट लाइट क्या होती है कि भाई काफी मतलब है ना तापमान की वजह से जलती हैं वो प्रकाशित होती है और काफी गर्म हो जाती है ठीक है और काफी क्या हो जाती है गर्म हो जाती है वो लाइट जैसे लालटेन वगैरह वो इतनी ज्यादा होती है कि वो गर्म होने लगती है ना वैसे ही सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ टू मेकअप तो आप ये चीज भी इमेजिन कर सकते हो कि भाई जो बेचारे जो मेकअप करते थे उस रूम में जिनका मेकअप होता था या जो मेकअप करते थे उन लोगों पर कितना मतलब कुछ बीतता था कितनी उन्हें वो गर्मी का और वो जो होती है ना तापमान का उन्हें वो सहना पड़ता था द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट तो मेकअप डिपार्टमेंट जो है वो सबसे पहले एक कोई बंगाली बंदा था वो चलाता था और मतलब है ना फिर उसे उस ऐसा लगा कि वो स्टूडियो के लिए जो है ना काफी मतलब बड़ा है स्टूडियो बहुत एक छोटी सी चीज है और फिर उसने वो छोड़ दिया महाराष्ट्रियन अन्नडिगा अब जो बेंगोली था उसके बाद उनको जो है, एक धरवार कन्नडिगा इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो बर्मीज थे है ना तो उन्होंने साथ में असिस्ट किया एंग्लो बर्मीज क्या होता है बेसिकली एंग्लो बर्मीज का मतलब है कि भाई उनके जो पेरेंट्स थे ना माता पिता वो कौन थे ब्रिटिशर्स और बर्मीज ठीक है वो एंग्लो बर्मीज कहलाते हैं समझ आई ऑल दिस शोज दैट देर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर ए आई आर एंड दूरदर्शन बिगन ब्रॉडकास्टिंग आप देखो ना ये सारी जो चीजें वो क्या दिखाती है एकीकरण दिखाती है कब से जब दूरदर्शन और ये AIR ए आई आर आए भी नए थे उससे पहले से जो है ये वाले जो जेमिना स्टूडियो है उसकी वजह से क्या था काफी एकीकरण दिखता था दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन Could turn any into a ना, ये जो मतलब लोग थे सारे जो मतलब में, जितने भी आर्टिस्ट थे वो किसी भी अच्छे खासे दिखने वाले व्यक्ति को कैसा बना देते थे भद्दा सा बना देते थे इतना मेकअप मतलब थोप दिया जाता थाडियस भद्दा क्रिमसन यूड क्रिम्सन क्रिमसन ईड का कलर देखा है ईट का कलर वैसा मतलब लाल मुंह का बिल्कुल कोई बंदर सा बना देते थे इंसान को दी हेल्प ऑफ अ लोड ऑफ पैन के सामान था जो पैनकेक पैनकेक देखो बेसिक कुछ भी हो सकते हैं प्रोडक्ट उसके अंदर और उसके अलावा और भी दूसरे लोशंस पोशंस ये सारे यूज करके किसी भी एक नॉर्मल लुकिंग व्यक्ति को एक मतलब ऐसा लाल कलर का भद्दा सा मॉन्स्टर बनाना बहुत ईजी था मतलब देखा है ना तुमने पहले मेकअप कितना ज्यादा डार्क और कैसा किया जाता था दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग अब उस वक्त जो शूटिंग होती थी ना वो मोस्टली अंदर ही होती थी सेट जो था वो पूरा अंदर ही लगता था और अंदर ही शूटिंग होती थी एंड ओनली फाइव परसेंट ऑफ द फिल्म वॉज शॉर्ट आउटडोर्स और सिर्फ मूवी का पाँच ही सीन होते थे जो बाहर शूट होते थे I suppose the the sets and and studio lights needed the girls and boys to to be made to look ugly in order जो ये बता रहे हैं स्टोरी वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सार्कास्टिक वे में बोल रहे हैं की है उनको है जान कर कर इतना भद्दा सा दिखाया जाता था की वो मूवी में काफी अच्छे लगे मतलब इतना उन पे मेकअप होता था डिपार्टमेंट मतलब एक बहुत पूरा मतलब कहते हैं ना जिसको कि अरेंजमेंट होता है वाइज है ना वो चलता था वहां पर कि भाई इसके नीचे ये व्यक्ति आता है तो इसकी इतनी रिस्पेक्ट करनी है इसके नीचे ये आता है ये बहुत चलता था वहां पर दीप मेकअप मैन made the chief actors and actresses ugly his senior assistant the second hero and heroine सेकेंड हीरो सबसे प्रमुख जो मेकअप मैन था ना वो प्रमुख एक्टर और एक्ट्रेसेस जो लीड होते थे उन्हें तैयार करता था यहाँ पे देखो वापस सार्काजम चल रहा है कि अगली बद्दा बनाता था फिर जो उसका सीनियर असिस्टेंट था वो सेकंड हीरो और हीरोइन को बद्दा बनाता था मतलब मेकअप करता था और जो जूनियर असिस्टेंट था वो मेन कॉमेडियन और उनके बाकी जो लोग होते थे उनको मेकअप करता था तो इस तरीके की हयाकि चलती थी

On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. और जब भी अब outdoor shooting होती थी ना तो तुम उसको हमेशा पाओगे office boy को कि वो जल्दी से किसी container में भाई makeup वेकअप अपना mix कर रहा है और लोगों पर पोतता हुआ चले जा रहा है मतलब लोगों को मेकअप कर रहा है सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप और उसमें क्या होता था भाई आजकल आप मेकअप देखते हो तो मेकअप में क्या होता है कि भाई जो भी धाग धब्बे हैं मुंह पे जो भी चीज है वो सब छुपाए जाए तो वो इसीलिए इतना ज्यादा ज्यादा मेकअप करता था कि भाई एक पोर भी ना दिखे स्किन का He wasn't exactly a boy. He was in his early 40s. अब वो exactly कोई लड़का नहीं था वो अपने मतलब है ना early फोर्टीज में चल रहा था मतलब चौतीस पैतीस साल का कोई बंदा था हैविंग एंटर द स्टूडियो ईयर होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर तो वो जो ऑफिस बॉय है ना वो एग्जैक्टली exactly कोई लड़का नहीं था वो पैंतीस चालीस इसकी एज के बीच का कोई आदमी था जो जैमना स्टूडियो काफ़ी पहले आया था ये सोचकर कि वो कोई स्टार एक्टर बनेगा या फिर कम से कम कोई लिरिस्ट ही बन जाएगा है ना कि लिरिक्स लिख देगा गाने की या फिर वो डायरेक्टर uh, बन जाएगा राइटर बन जाएगा इस ख्वाब को लेकर वो आया था लेकिन वो क्या बन के रह भी था मतलब वो काफी, भी लिखता था मतलब उसका एक शौक था ना इन दोन अल टू होल साइड ऑफ विच फ्रेंच विंडोज अब वो ऑफिस बॉय जो है वो यही है जो नरेटर हमें सारी बात बता रहा है ना अभी जैमिना स्टूडियो की तो वो नरेटर खुद ही वो है जो ऑफिस बॉय है तो वो बताता है कि भाई मैं पहले कक्ष में काम करता था क्यूबिकल क्या होता है छोटा सा कक्ष दे दिया जाता है ना किसी बड़े से रूम को हिस्से में बांट के है ना टू होल साइड ऑफ विच फ्रेंच विंडो दोनों तरफ क्या थी फ्रेंच विंडोज थी आई डेंट नो एट दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि वो फ्रेंच विंडोज कहलाती हैं सींग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज पेपर डे इन एंड डे आउट मोस्ट पीपल थाट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग अब मैं वहाँ बैठता था मुझे वहाँ पे लोग देखते थे कि भाई डेस्क पर बैठकर न्यूज़ पेपर फाड़ रहा हूँ दिन भर रात भर तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थाट लाइक वाइज टू और ऐसा ही लगता था कि जो वहाँ के जैमना स्टूडियो के जो बॉस थे वो भी ऐसा ही समझते थे क्चर तो अब जिससे भी लगता था ना कि मुझे जो है कुछ ना कुछ इसको कोई काम धंधा दे दो तो वो सीधा जो है मेरे क्यूबिकल में मेरे कक्ष में घुसा आता था और मुझे एक लंबा चौड़ा लेक्चर देकर चले जाता था डिट फिट ऑनली फॉर बाबर्स एंडर्स ठीक है तो जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो बॉय था उसने मतलब है ना ये डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे जो है बता दिया जाए कि किस तरीके से है ना यहाँ पर जहाँ पर सिर्फ बारबर्स मतलब नाइयों का परवर्ट लोगों का काम है परवर्ट जो मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी को सेक्सुअली हैरेस कर देते हैं या गंदी सोच होती है उनकी बेसिकली हीरोइंस को गंदी नजर से देखना ऐसे लोग क्या कहलाते हैं परवर्ट्स कहलाते हैं क्लियर तो ऐसे लोग और जो नाई वगैरह है ना यहाँ पर वहाँ पर जो है मुझे ऑफिस बॉय की जॉब दे दी गई है और मैं जो है यहाँ पर मेरे अंदर जो कवि है वो खत्म कर रहे हैं जो इतना मतलब मेरे अंदर एक टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है तो वो हर तरीके से मुझे बता रहा था हमारे नरेटर को ठीक है सून आई वाज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स In all instances of frustration you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his vows igomini at अब भाई मैं प्रे कर रहा था कि ना क्राउड शेटिंग ठीक है देखो यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ uh, अलग है और हमारा नरेटर अलग है ठीक है तो ऑफिस बॉय जो है ना उसके बारे में बताया जा रहा है बाय हमारे narrator, नरेटर और नरेटर आई गेस अशोक मित्राई है ठीक है यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर कर लो मुझे भी कन्फ्यूजन हो गई थी तो यहाँ पे क्या था कि भाई <coughs> सॉरी यहाँ पे क्या था कि जब नरेटर मतलब कोई इंटरव्यू या कुछ लेने गए होंगे तो वहाँ पर उन्हें ऑफिस बॉय जो जिसको मतलब बहुत गुस्सा था इन लोगों पे वो हर चीज़ क्योंकि एक तो साकास्टिक वे में बता रहा था है ना तो अब हमारे नरेटर बोल रहे हैं कि मैं जो है क्राउड शूटिंग का वेट कर रहा था और है ना मतलब भाई वो ही चीज़ थी जो मुझे एटलीस्ट बचा सकती थी इससे In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly. अब कुछ भी जो भी ऑफिस बॉय को जितना भी गुस्सा था जितना भी उसके अंदर घुबाल था वो सब वो सब या तो uh, क्या बोलते सीधा खुले में या फिर छुपके भी सिर्फ एक ही बंदे की तरफ इशारा करता था कि भाई दैट ऑल हिज वॉज इगनिनी वर ड्यू टू कोतमंगलम सुबू तो वो ऑफिस बॉय जो था उसका सारा गुस्सा सिर्फ एक ही बंदे के लिए निकलता था कि भाई मेरी जितने भी परेशानी अपमान का कारण जो भी है वो और कोई नहीं बल्कि कोतमंग सुबू है ठीक है वोज परेशानी और इग्नॉमिनी अपमान मतलब जो है मुझे कोई कुछ समझता नहीं वो सब सुब्बू की वजह से है सुबु वॉज द नंबर टू एट द जेमिना स्टूडियो सुबु नंबर टू पे था मतलब पहले तो बॉस थे और बॉस के बाद जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी वो और कोई नहीं बल्कि कोतमंगलम सुबु था He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times.

ज़्यादा ही समृद्ध लोगों में रहने का और समृद्ध एनवायरनमेंट में रहने का मौका मिला है और इसी वजह से जो है वो आज ज़्यादा पॉपुलर है हमारे ऑफिस बॉय से He had the ability to look cheerful at all times even after having a hand in the flop film. और सोतमंगलम सुब्बू के अंदर एक क्वालिटी ये थी कि अगर उसकी फिल्म्स फ्लॉप भी हो जाती थी ना उसके बाद भी उसके फेस पे एक स्माइल हमेशा रहती थी. He always had worked for somebody. He could never do things on his own. वो हमेशा जो है किसी ना किसी के लिए काम करता था वो खुद से कोई काम ऐसे खुद का नहीं कर सकता था बट ए सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद प्रिंसिपल लेकिन उसकी जो वफादारी थी ना लॉयल्टी वफादारी थी वो बताती थी कि भाई सुब्बू जो है वो अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहने वाला आदमी है एंड टर्न इज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिस्स प्रिंसिपल्स एडवांटेज और उसी बेसिस पे वो अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाता था सबको ही टेलर मेड ऑफ फिल्म ठीक है वो एक ऐसा दर्जी था जिसे ने बनाया था ही वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड एन कमांडेड the rat fights the tigress underwater and kills her but takes pity on the cubs and tends them lovingly ठीक है आप भाई यहाँ पे एक मूवी का सीन है कि भाई जो है चूहे ने जो है शेरनी से लड़ाई की और उसे मार दिया लेकिन जो शेरनी के बच्चे थे उन पे उसे दया आ गई उन्हें उन उनसे प्यार आ गया उस पे i don't know how to do the scene the producer would say अब प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई इस सीन को मैं कैसे बनाऊं क्या करू क्या दिखाऊ एंड सुबह वुड कम आउट विद फोर वेज ऑफ द रेड पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ और सुब्बू जो है वो हाथों हाथ चार के मतलब ऐसे अलग अलग होते हैं ना सिनेरियोस निकाल के लिया था कि किस तरीके से रेड जो है वो उन बच्चों पर स्नेह दिखा रहा है तो उसके पास ये सारा टैलेंट था जिसकी वजह से जैमिना स्टूडियो में उसको सब बहुत पसंद करते थे और इवन जो बॉस था वो भी उसे बहुत पसंद करता था ठीक है इसी वजह से ऑफिस बॉय को कोई जानता नहीं था कोई उसकी बातें नहीं करता था और इसीलिए वो सुब्बू को पसंद नहीं करता था ठीक है तो आज की जो स्टोरी है हम यहीं तक पढ़ेंगे इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि भाई हमारे ऑफिस बॉय को और क्या प्रॉब्लम थी या फिर ये जो जैमिना स्टूडियो है इसके साथ आगे क्या हुआ है ना फिल्म इंडस्ट्री को लेके क्या क्या चीजें चली तो आगे हम पढ़ेंगे आज की क्लास यहीं खत्म करती हूँ मैं अब एक चीज देखो ना बच्चों की क्वेरी आ रही थी के ना मैम आप जो पढ़ाते हो ना उसको हमें फिर पढ़ने में एटलीस्ट दो दिन लग जाते हैं क्योंकि हम इसको लिखते हैं तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों आपकी बुक का ही चैप्टर है जो मैं यहाँ पर लिखती हूँ है ना आपने क्या करना है देखो सिंपल सी चीज है कोई भी सब्जेक्ट हो एक्सवाइज कोई भी सब्जेक्ट हो नॉट ओनली इंग्लिश अपनी बुक लो ठीक है अपनी बुक में मेरे साथ कंटिन्यू फॉलो करते रहो कि हाँ यहाँ पढ़ा रही है मैम यहाँ पढ़ा रही है फिर मैं तुम्हें उसमें जो भी डिटेल्स देती हूँ एक पेंसिल लो और पेंसिल से मार्क करो ठीक है हाईलाइटर पेंसिल जो भी यूज करना चाहो करो और उसमें ही मार्क करो इससे क्या होगा आपकी टाइम की बचत होगी दूसरी बात आपकी सारी डिटेल्स आपको याद रहेंगी वहां पर और फिर आप एक बार जब और रीडिंग करोगे उसकी या जब भी आपको दोबारा कभी भी वो पढ़ना होगा तो वो वहीं रहेगा है ना सारी डिटेल्स सब कुछ वहीं रहेगा तो उससे आपका टाइम बहुत बचेगा तो ये चीज ध्यान रख लो कि आपको यहाँ से कॉपी करने की जरूरत नहीं है ठीक है आप यहाँ से कॉपी मत करो है ना आप जो है क्या करोगे सिंपल अपनी बुक लो बुक का ही चैप्टर पढ़ा रही हूँ मेरे साथ कंटिन्यू रीड करो उसको रीड करो जहाँ पे मैं जो डिटेल दे रही हूँ उसको ऐड कर दो ठीक है एक तो ये हो गया उसके अलावा हम कोई ऐसा एक्सरसाइज वाला काम करते हैं ना जब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं या हम जब ग्रामर करेंगे तब आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना आपको जब पी अवेलेबल होती है ना आप उसमें से पढ़ो सिंपल वहाँ पे सारी मैं डिटेल्स ऐड करती हूँ वहाँ पे आपको सब मिल जाता है तो आप इस तरीके से जो है अपना टाइम बचा सकते हो आपको लिखनी भी नहीं पड़ेगी और मेहनत भी कम लगेगी तो इस चीज का ध्यान रखो ठीक है इसी के साथ आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय डे